आज का वीडियो जो है कबीनी का होने वाला है, कबीनी पार्ट वन, क्योंकि हम लोगों ने दो सफारी करी थी एंड बैंगलोर से चेकआउट करते करते हम लोग जैसे ही कबीनी के लिए बढ़े, इट स्टार्टेड रेनिंग और ऐसा रेन हुआ कि थ्रू आउट द ट्रिप वो चलता रहा. एनीवे, तो यहाँ पे हम लोगों ने बीच में छोटा मोटा ब्रेक लिया था कि कुछ स्नैकिंग या कुछ कर लें, पर जैसे ही हम लोग कबीनी पहुंचे हमारी सफारी का टाइम हो चुका था. तो हम लोगों ने होटल चेक इन नहीं किया, पहले डायरेक्ट सफारी से स्टार्ट किया था. तो सफारी की एक बात बता दो तो पीपल दोज वर वेरी मच कीन इन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और समथिंग, लाइक उनका इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का. तो समर्स इज द बेस्ट टाइम टू विजिट इट, एंड इफ नॉट ओनली यू हैव टू सी द ग्रीन जंगल्स अराउंड एंड एवरीथिंग, नवंबर दिसंबर इज गुड. बहुत ही कम लोग होते हैं जो मानसून में जंगल्स प्रेफर करते हैं, और उनमें से इस बार एक मैं ही थी, क्योंकि मैंने एक भी जंगल अभी तक मानसून में कभी विजिट किया नहीं था. सो अपना ही एक अलग मजा है नेचर में आप जा रहे हो ड्यूरिंग मानसून एंड एवरीथिंग. बट ठीक है, उसमें साइटिंग और वो सब ना ज्यादा होता नहीं है, इसलिए ये लीस्ट फेवरेट टाइम होता है ईयर का कि लोग जाते नहीं है. चलो बातें बहुत हो गई, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. Hello people, good morning. So this is the third day and it's around 8:30 AM. So this is the last day in Bangalore and we'll be driving to Kabini. I'm super 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 excited because jungles always fascinate me. And this time थोड़ा ना मुद्दा बना के जा रहे हैं कि ठीक है, उस साया नाम का ब्लैक पैंथर रह गया, ऐसे रह गया, अगर वो स्पॉट हो जाता तो बॉस लाइफ सेट है. ये ट्रिप ना उसका यूएसपी है कि अगर मुझे वहाँ पे कोई फलाइन तो क्या मतलब, ठीक है टाइगर दिखता है, लेपर दिखता है, गुड, बट मेन एजेंडा है कि वो ब्लैक पैंथर ही एक बार ही दिख जाए, एक झलक दिख जाए बस. तो चलो देखते कैसे जाता है, बट विश मी लक, दिख जाए यार मेरे को. डे थ्री, सो गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर दैट वी विल ड्राइव टू कबीनी. Let's see how it goes. थक गई यार मैं दो दिन, आई डोंट नो हाउ व्हाई, बट या द वेदर हियर इज सुपर सुपर अमेजिंग. आई मीन इट्स क्वाइट विंडी एंड चिली एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट रियली इट्स रियली नाइस एंड द एम्बियंस अराउंड. Wait, let me show you how it is. The pool is not accessible just because of COVID. But the weather is super cool. I wish I could show you how it is. It's not gloomy, it's not raining, but cool winds blowing and it's super nice. I mean, come from Rajasthan, so super super sexy weather here. There it's all hot, here it's all cool. Hey partner in crime, say something. What are you recording? Yeah, obviously. Nothing, just waiting for food to come. Okay. So today we are having Southern breakfast like dosa, idli, and this girl is having cheese on it, I guess. She need a thing in morning. Ta-da! So finally we checking out and the weather outside is amazing.
have reached Kabini and we have come directly to Udhpur Gate because safari time ho gaya hai. Let's see when it starts. सो मानसून में जंगल इतना खूबसूरत देख सकता है, आई हैव नेवर इमेजिन्ड. तो सफारी तकरीबन 2.5-3 hours का रहता है. मॉर्निंग इट्स अराउंड 6 to 9 एंड इवनिंग इट्स लाइक 3 to 6, समवॉट लाइक दैट. एंड दे आर बेसिकली टू जोन्स, ए एंड बी. इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस. But there were alarm calls, which means you know that he's still around. We're gonna be going there, you know, we'll stop there for a bit, hoping to listen to alarm calls. If there's nothing, then we'll go to the other areas, hoping for tigers and leopards. If there is any information, we'll head there. But nonetheless, we will do at least 2 rounds of the Black Panther's territory. Because you can always see tigers and leopards anywhere. But to see a Black Panther, that's a very good time because there is movement in the park. Well, at this point, very good because you have seen this yesterday. Okay. Like, how many days? After 23 days. After 23 days. So earlier we were into B zone where we were waiting to sight a panther. Now we have swapped to A zone. So finally we are into A zone and let's see if we could find something here. Something interesting. Not necessarily big cats, but something interesting. You know, the number of tigers has increased, but sighting a leopard is really hard. So you can see the path inside the jungle. कि बारिश में क्या हालत हो रखी है इसकी. मेरा first experience है and this is looking nice. पर बारी बारी में क्या हो रहा है कि गाड़ी skid हो रही है. So थोड़ा स्पीड स्लो हो जाता है, बट नथिंग टू वरी. So it's getting quite dark now and we'll be heading out of the jungle. तो सुंदर तो बड़ा है ये जंगल, मन नहीं कर रहा निकलने का. But then there are specific timings कि आप कब तक रह सकते हो उसमें and after that you have to come out. So yeah, we are heading out from this beautiful, beautiful place. So in another 10 minutes we'll be out of the jungle and we didn't have any major sighting as of now, but yeah, tomorrow again we are having a safari, morning safari, so let's see what happens then. I'm hopeful. Hello everyone, hope you all are doing really great. So today's safari, I must say it was nice that I get to explore new jungle. Very dense forest it is, very dense, and it's really really nice, beautiful one, and this monsoon is adding an oomph to it. So with these dense forests and all, I am very much practical that it's not necessary that you have to get to see felines around. So today was not the day, but I'm very hopeful for tomorrow's morning safari that I'll sight something very interesting. So yeah, if I do so, I'll definitely gonna share with you. For now, it's a wrap for me. I'm in sleeping time. So good night. So the jungle was beautiful. No major sighting हुआ नहीं ये वाली safari पे because बहुत हशहश में ऐसे लग रहा था सब कुछ हो ही जा रहा है. But then ठीक है,
आई वॉज प्रिपेयर कि हाँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए कितना नहीं. दो मॉर्निंग में बड़ी एक्साइटेड थी कि एक बार वो ब्लैक पैंथर दिख जाए, ये वो. पर ठीक है, ये सारा ना अलग का खेल है. अगर आप अलग है ना तो दिख जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं है. तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोगों ने क्या साइड किया कभी नहीं पार्ट टू. तो स्टे ट्यून्ड.